हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन जूनियर किचन। आज हम लोग बनाने वाले नवरात्रि स्पेशल थाली। यहाँ हम लोग पोस्तों की सब्जी बनाए हैं, फ्रूट रायता बनाए हैं, सिंघाड़ा के आटे के हलवा बनाए हैं, फिर सिंघाड़ा के आटे की पकौड़ियाँ और बादाम की चटनी, और यहाँ हमने सिंघाड़ा की पूड़ी बनाए हैं। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक पैन में ऑयल रिफाइन और गरम कर लिए। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें सिंघाड़ा की आटा डाल देंगे, ये 100 ग्राम है। फिर हम लोग मिक्स करेंगे इसे। देखिए लाइट ब्राउन कलर में आ गए, बहुत अच्छे स्मेल भी आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें एक ग्लास पानी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। हम लोग यहाँ 25 ग्राम चीनी डाले हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते तो आप लोग ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, या कम खाते तो या कम भी कर सकते हैं। और यह इलायची के दाना डाले हैं और हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो गए। अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बादाम की चटनी, यहाँ हम लोग एक कढ़ाई में बादाम को डाल लिए और इसे हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गए तब हम लोग इसमें एक बॉल में से निकाल लेंगे। फिर एक बॉल में हम आधा चम्मच अदरक डालेंगे, कुछ धनिया पत्ता और 3 हरी मिर्च। इसे हम लोग मिक्सी जार में डाल लेंगे और नमक डालेंगे और इसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। आलू पोस्तों की सब्जी। एक कढ़ाई में हम लोग ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम लोग तेज पत्ता और जीरा डालेंगे। जब ये दोनों लाल हो जाए, रेड कलर में हो जाएंगे, तब हम लोग इसमें टमाटर डाल देंगे और नमक। हम लोग टमाटर पहले इसलिए डाल रहे कि ये थोड़ी गल जाए, और नमक डाल रहे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग इसे चलाएंगे। हम लोग इसमें अदरक डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, मिर्च आधा चम्मच और धनिया 1 चम्मच। और हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हम लोग इसको फ्राई करेंगे। और गरम मसाला आधा चम्मच से भी कम। और हम लोग इसमें थोड़े से पानी डालेंगे और इसे चलाएंगे। देखिए मसाले पक गए हैं, तब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे कि आलू में पूरे मसाले लग जाए।
जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम लोग इसमें पोस्तो डाल देंगे। ये हम लोग पोस्तो 2 चम्मच लिए है, हम ऑलरेडी इसको पानी में डाल के रख दिए थे, इससे पोस्तो फूलते हैं पानी में डालने से। अब हम लोग इसमें डाल के इसे चला लेंगे। फिर हम लोग 1 कप पानी इसमें डालेंगे। अब हम लोग इसकी लीड लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। फिर हम लोग इसे 10 मिनट के बाद देखेंगे, ये बॉईल हो रहे हैं पानी और ये सब्जी हो गए। तब हम लोग इसकी गैस बंद कर देंगे। सिंघाड़ा के आटे की पकौड़ियाँ, यह हम लोग सिंघाड़ा के आटे लिए 100 ग्राम है। हम लोग इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। फिर हम लोग आलू हमने बॉईल करके रखे थे, इसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, सॉरी कद्दूकस कर लेंगे। ये 100 ग्राम आटे, तो हम लोग 100 ग्राम ही आलू लेंगे। अब हम लोग उसमें सेंधा नमक डालेंगे। फिर मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च और हल्दी, जीरा भी डालेंगे, जीरे से टेस्ट अच्छे आते हैं। अब हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। हम लोग इसमें थोड़े थोड़े पानी करके मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ कढ़ाई गर्म हो गए हैं, तो अब हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएंगे तो हम लोग इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। देखिए ब्राउन, लाइट ब्राउन में आ गए, तो हम उसको टर्न कर लेंगे। देखिए ये फ्राई हो गए, कलर भी अच्छे आए हैं। तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, देखिए हमने आटा ऑलरेडी सान के रखे थे, अब बस हम लोग इसकी पूड़ी बनाएंगे। इसमें पूड़ी हम लोग बेलना से नहीं, हाथ से प्रेस कर करके बनाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे। आप लोग इसे घी में भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी यूज़ कर सकते, छान सकते हैं। देखिए हमारे पूरी ब्राउन कलर में हो गए, तो हम लोग इसे निकाल लेंगे। रायता, यह हम लोग 100 ग्राम दही लिए हैं, उसमें हम लोग बनाना, एप्पल और अनार डाल देंगे। आप और भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप लोग ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा हम लोग फ्राई करके इसे कूट लिए थे।
फिर हम लोग इसमें सेंधा नमक डालेंगे और मिर्च डालेंगे। देखिए हमारी प्लेटिंग स्टार्ट हो गई। ये पोस्तो आलू की सब्जी है, ये फ्रूट रायता है, ये हलवा है सिंघाड़ा की हलवा, फिर पकौड़ियाँ, और पूरी, और चटनी। देखिए हमारी डिश फाइनली रेडी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।